हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह डॉट कॉम। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कर चुके हैं हम, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कवर कर चुके हैं, और आज की वीडियो जो है दैट इज़ रिलेटेड टू क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्रोकोडाइल जो है, अगर हम IUCN रेड लिस्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंगली जो क्रोकोडाइल है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली क्रोकोडाइल इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो मेनली तीन तरह की स्पीशीज हैं, साल्ट वाटर है, मगर है और घड़ियाल है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्पीशीज जो है इंडिया में ओडिशा में पाई जाती हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, ओडिशा में ये तीनों की तीनों स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। इसलिए जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ दी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड इन ओडिशा स्टेट। ठीक है, उड़ीसा में है। सो क्रोकोडाइल्स जो है वो बहुत ही कम है। क्यों है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, नो डाउट। तो उसमें बहुत सारे थ्रेट्स रहते हैं, जैसे कि कई बार फिशेज को पकड़ते हुए नेट्स में क्रोकोडाइल्स भी आ जाते हैं। मोर ओवर जो क्रोकोडाइल्स के एग्स होते हैं दे आर यूज फॉर कंजम्पशन पर्पसेज। ठीक है, जिनकी हैचलिंग्स भी होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो लोग खाते हैं उनको, राइट। तो इसकी वजह से जो इनका नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में चला गया। सो पीस मील एफर्ट्स वर बींग मेड फ्रॉम द 60s ऑनवर्ड्स टू सेव द क्रोकोडाइल। तो ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो था ये लॉन्च किया गया था 1975 में इन डिफरेंट स्टेट्स। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर के कब लॉन्च किया गया था। सो घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो था इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा। ठीक है, इन अर्ली 1975। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो था, मतलब तीनों ही जो स्पीशीज हैं दे ऑल आर ऑफ क्रोकोडाइल्स, है ना। तो जो मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था वो भी उसके बाद में जो था वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया था, बिकॉज उड़ीसा इज हैविंग डिस्टिंक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री स्पीशीज ऑफ इंडियन क्रोकोडिलियंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो फंड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट केम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, फंड्स एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट दैट केम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब थ्रेट्स क्या हैं? दे आर हंटेड फॉर देयर स्किन्स, ट्रॉफीज एंड इंडिजीनस मेडिसिंस एंड देयर एग्स कलेक्टेड फॉर कंजम्पशन। देन उसके बाद डिक्रीज ऑफ रिवराइन हैबिटेट एज डैम्स, बैरेजेस। ठीक है, मेनली ये रिवर बैंक्स के ऊपर ही पाए जाते हैं, अगर आपने कहीं पे देखे हों तो मेनली वहाँ पे क्या होता है, डैम्स बन जाते हैं, बैरेजेस बन जाते हैं, कैनाल्स बन जाते हैं, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स भी बनती हैं, है ना। तो उसकी वजह से जो इनका हैबिटेट है, जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिल्टेशन भी कई बार इसका रीज़न रहता है ना, पानी में जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, सैंड माइनिंग वगैरह की वजह से जो रिवर का रूट है वो चेंज हो जाता है। देन उसके बाद राइपेरियन एग्रीकल्चर। राइपेरियन एग्रीकल्चर क्या होता है? मतलब अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर जो एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं, मतलब एडजेसेंट टू द रिवर बैंक्स जो एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो इनकी पॉपुलेशन कम होती है। एंड ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक डिस्टर्ब्स घड़ियाल बिहेवियर एंड मे इवन फोर्स लोकल पॉपुलेशन टू डिजर्ट दी एरिया। देन उसके बाद डिप्लीशन ऑफ फिश रिसोर्सेज। ठीक है, उसकी वजह से भी, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन फिशेज। देन उसके बाद इंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट्स। देन उसके बाद इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड। इट हैज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन जो है इस प्रोजेक्ट के कारण जो है वो रिट्रीव की गई। रिट्रीव तो नहीं कह सकते हम, मतलब काफ़ी जो पॉपुलेशन है उसका नंबर एनहांस किया गया है। तो तीन स्पीशीज हैं। सबसे पहले मगर की बात करते हैं, तो मगर क्रोकोडाइल जो है इसको हम इंडियन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं या फिर इसको मार्श क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्रोकोडाइल जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इसको IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल जो है वो लिस्ट किया गया है। इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल बाय IUCN। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ये जो है वल्नरेबल है। उसके बाद अगर हम घड़ियाल की बात करें तो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, और जो ये साल्ट वाटर है ये लीस्ट कंसर्न्ड है, राइट। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। मगर जो है इट इज़ मेनली अ फ्रेश वाटर स्पीशीज आर फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड मार्शेस। देन उसके बाद घड़ियाल की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बाय IUCN।
तो इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव वॉस एट द एंड ऑफ स्नाउट विच रिजेंबल एन अर्दन वो वियर कोट नॉन एज हिंडिया. हिंडिया नहीं होती ये दिखे, ठीक है. तो ये उससे उसके साथ जो है वो रिजेंबल करती है, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है वो घड़ियाल रखा गया है, राइट. सो घड़ियाल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्मॉल रिलीज पॉपुलेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल जो है टिपिकली, ठीक है. अगर मगर आ जाए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आ जाए, तो आपको याद रखना है कि मगर जो है वो वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर जो है वो लीस्ट कंसर्न है. सो स्मॉल रिलीज पॉपुलेशन आर प्रेजेंट एंड इंक्रीजिंग इन द रिवर्स ऑफ नेशनल चंबाल सेंचुरी. ये कहाँ पे है? एमपी, मतलब काफ़ी स्टेट्स में थोड़ी फैली हुई है. देन कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यूपी में है. सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एमपी में है. एंड रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महामदी महानदीन सुथपुसिया जॉर्ज सेंचुरी, ये कहाँ पे है? उड़ीसा है. बेसिकली मेरा पर्पज़ यहाँ पे आपको इसलिए है ये स्टेट्स बताना कहाँ कहाँ पे सेंचुरीज हैं, बिकॉज जब भी कभी किसी पेपर में किसी सेंचुरी के बारे में पूछते हैं तो एज इट इज़ नहीं उठा के पूछते हैं, वो हमेशा उसी सेंचुरी के बारे में पूछते हैं जो सेंचुरी किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड हो, ठीक है. जैसे कोई टाइगर रिजर्व हो, या कोई एलिफेंट रिजर्व हो, या क्रोकोडाइल रिजर्व हो, ठीक है. कोई भी सेंचुरी, कोई भी नेशनल पार्क जब वो पूछते हैं तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ में कोई चीज़ आई होती है, या फिर वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड होती है. तो ये सारी सेंचुरीज वगैरह इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपको याद रख लेनी है साथ में, ठीक है. तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ लिविंग रेप्टाइल्स एंड इट लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न बाई IUCN. इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. देन उसके बाद अगर बात करें ब्रॉड स्ट्रेटजी, मतलब इनकी जो रिहेबिलिटेशन के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए जो भी मतलब इनको जो है वो इनके नेचुरल हैबिटेट में कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, इनकी पॉपुलेशन को दोबारा से कैसे एनहांस करना है, तो एक कैप्टिव ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है इन्होंने लॉन्च किया है. रियर एंड रिलीज जिसको बोल सकते हैं, या फिर ग्रो एंड रिलीज भी बोल सकते हैं. कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? बेसिकली ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसको मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें मतलब प्रॉपर लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या कंजर्वेशन जूज वगैरह होते हैं, जिसमें जो है वो उनको प्रॉपरली वो जो एनवायरनमेंट उनका जहाँ पे वो रहते हैं वो एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. एंड टू बिल्ड अप ट्रेंड पर्सोनल फॉर दी जॉब, ठीक है. तो इस काम के लिए साथ में जो है वो ट्रेंड पर्सोनल भी साथ में तैयार करनी. सो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन, जो बची कुची रह गई है उसको प्रोटेक्ट करना है इन देयर नेचुरल हैबिटेट बाय क्रिएटिंग सेंचुरीज. सेकेंड इज टू रीबिल्ड नेचुरल पॉपुलेशन क्विकली थ्रू ग्रो एंड रिलीज और रेयर एंड रिलीज मीन्स के पालना और उसके बाद उसको जो है वो छोड़ देना पानी में, है ना. तो उसमें क्या है बेसिकली कि इनके जो एग्स हैं जैसे ही उन्होंने ले किए वैसे ही वो कलेक्ट कर लेते हैं जो पर्सनल होते हैं. तो बेसिकली उनके जो एग्स हैं उनको कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज उसको जो है वो प्रिडेटर्स जो होते हैं वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो एग्स जो है एज इट इज़ एज सुन एज दे आर लेड डाउन उनको जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है. देन दे आर इंक्यूबेटेड अंडर आइडल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. जो आर्टिफिशियल हैचरीज होते हैं, तो जो इनकी हैचलिंग्स होती हैं बेसिकली, तो उनको वो जो कैप्टिव ब्रीडिंग वाला जो उनका प्रोग्राम होता है उसमें ही वो रेयर अप करते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो मतलब इनफ हो गए कि अब वो ठीक हैं, उनको हम रिलीज कर सकते हैं पानी में, तो उनको जो है वो रिलीज कर दिया जाता है इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है. उसके बाद उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है, वो भी उसके बाद उसको असेस किया जाता है. देन उसके बाद इसका दूसरा तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रमोट कैप्टिव ब्रीडिंग एंड टू टेक अप रिसर्च टू इम्प्रूव मैनेजमेंट. और साथ में जो ट्रेंड पर्सोनल है इस काम के लिए उसको खड़े करना, उसको तैयार करना, ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग इम्पार्टेड एट प्रोजेक्ट साइट्स एंड थ्रू द अर्स्ट वाइल्ड सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद. तो ये हैदराबाद में जो है सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ऐसे पर्सोनल को ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है. इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव और भी है कि जो लोकल पीपल हैं उनको भी जो है वो इस मसले में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करना, लाइक उनको थोड़ा सेंसिटाइज करना और उनको जो है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट उनका लेना पूरा के पूरा, ठीक है. लाइक डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द पीपल बाय लोकेटिंग द प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज वेयर पीपल कुड बोथ सी एंड पार्टिसिपेट इन द एंटायर प्रोग्राम. लाइक अगर हम देखें जो फिशरमैन होते हैं, है ना, जो इन सेंचुरीज के अलॉन्ग रहते हैं, तो उनका लाइवलीहुड जो होता है वो कम्प्लीटली फिशिंग के ऊपर डिपेंड करता है. बट फिशेज जो होते हैं उनको कंज्यूम कौन करते हैं? क्रोकोडाइल कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो ऐसे उनकी जो अगर मतलब फिशेज डिप्लीट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका हैबिटेट लॉस होगा या उनका अपना जो नंबर है वो कम होगा.
तो इसके चलते उनको थोड़ा सा मतलब इसके बारे में अवेयरनेस करवा के और उनको कुछ अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो इनकम का प्रोवाइड करना, एंड दैट इज दैट वो भी जो है वो जो इनकम का सोर्स प्रोवाइड करना है दैट शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू दी कंजर्वेशन एम्स, किसी भी तरह से इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो, इस तरीके का उनका कोई जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन अगर आप करते हो मान लो, ठीक है, तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आपको जो है वो फूड प्रोवाइड करें, कुछ भी गवर्नमेंट जो है वो उनको दे सकती है ना। सो एक्सटेंड द कंजर्वेशन प्रोग्राम टू विलेज लेवल कमर्शियल क्रोकोडाइल फार्मिंग सो दैट पीपल कुड अर्न एन इनकम फ्रॉम कंजर्वेशन क्रोकोडाइल्स एंड देयर हैबिटेट्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट जो साइट्स हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में ही क्यों है, बिकॉज इसमें तीनों की तीनों स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। सो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो जब स्टार्ट किया गया था तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू बिल्ड द पॉपुलेशन टू अ स्टेज, कौन सी स्टेज तक कि एटलीस्ट अगर 1 किलोमीटर पानी अगर हम देखें उसकी लेंथ तो उसमें एटलीस्ट 5-6 क्रोकोडाइल जो है वो दिखने चाहिए। तो इतनी स्टेज जब तक हो जाएगी तब तक हमें क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के ऊपर जो है वो काम करना है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट सॉट टू मेक अप नेचुरल लॉसेस बाय डेथ एंड प्रेडेशन थ्रू रेयर एंड रिलीज ऑपरेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे जो है वो एग्स को इकट्ठे करना, फिर उनको इंक्यूबेट करना आइडल टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी के अंडर, एंड उसको बाद में जो है वो जो हैचलिंग्स होंगी, ठीक है, उनको रेयर करना, फिर उनको रिलीज करना पानी में। सो इन टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए 3 सेपरेट रिसर्च यूनिट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए थे एट तिकरपरा, ठीक है, ये सारे उड़ीसा में है। तिकरपरा जो था ये घड़ियाल के लिए लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट रिसर्च यूनिट, डंगमाल जो था ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, और राम तीर्थ जो था ये मगर के लिए लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ जो नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क है इसमें जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग प्लांट्स जो है वो परस्यू किए गए हैं। सो अगर हम तिकर परा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट जो मीन्स रिवर्स हैं, लाइक अगर हम नरयानी एंड काली रिवर्स की बात करें, नेपाल में है जो चंबल चंबाल सेंचुरी जो मध्य प्रदेश राजस्थान एंड यूपी में है, तो वहाँ से जो है वो एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। कुछ एग्स जो है वो रॉयल चितवन नेशनल पार्क है नेपाल का और कटारनिया घाट सेंचुरी है यूपी की, वहाँ से जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। देन उनको मतलब वही रेयर एंड रिलीज की जो भी उनका प्रोग्राम है वो सारा का सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये सेंचुरीज का नाम आपको याद रखना है। सो जितने भी यहाँ पे घड़ियाल जो हैं वो रेयर किए गए हैं एंड दोज प्रोड्यूस फ्रॉम कैप्टिव ब्रीडिंग एंड नंदन कानन जू नंबरिंग मोर देन 700 वर रिलीज्ड इन रिवर महानदी बिटवीन बौद एंड कटरांग। देन उसके बाद बौला प्रोजेक्टेड दंगमाल, बौला जो है ये उड़िया टर्म है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, ठीक है। तो दंगमाल में इन भितरकनिका सेंचुरी, ये कहाँ पे है उड़ीसा में, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जो एग्स हैं कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, फिर उनको रेयर वही जो भी रेयर एंड रिलीज का जो प्रोग्राम है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड मोर देन 2200 क्रोकोडाइल्स हैव बीन रिलीज इन फेसेस सिंस 1977। तो यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और क्रोकोडाइल जो पॉपुलेशन है भितरकनिका रिवर में बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो मार्जिन इंक्रीज पाया गया है। एंड अबव 50 रिलीज फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैव ब्रेड सक्सेसफुली एंड आर लेइंग एग्स इन द वाइल्ड। मगर प्रोजेक्ट की बात करें जो राम तीर्थ में है, ये इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड विद एग्स एंड जुवेनाइल्स ऑफ मगर प्रोक्योर्ड फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। सो सिंस 1984 ब्रीडिंग ऑफ मगर्स एंड रिलीज ऑफ यंग वंस इन टू द नेचर इन सिमलीपाल, ये भी उड़ीसा में हैव बीन कैरिड आउट एंड सो फॉर मोर देन 600 क्रोकोडाइल्स हैव बीन रिलीज इन सिमलीपाल। देन उसके बाद जो कैप्टिव ब्रीडिंग का जो काम चलता है नंदन कानन सेंचुरी में, उसमें क्या है, कैप्टिव ब्रीडिंग यूनिट्स ऑन ऑल द 3 क्रोकोडिलियन स्पीशीज हैव एस्टेब्लिश्ड इन नंदन कानन जू, मगर्स ब्रेड एट नंदन कानन जू हैव ऑल्सो बीन रिलीज इन सतकोसिया जॉर्ज। तो बेसिकली जो घड़ियाल्स हैं दे हैव बीन फेल्ड इन एस्टेब्लिशिंग दे आर फेल्ड इन एस्टेब्लिशिंग इन सतकोसिया जॉर्ज, मगर्स हैव सेटल डाउन वेल इन दिस स्ट्रेच ऑफ महानदी रिवर, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पे जो क्या उसे कहते हैं पॉपुलेशन का अगर मार्जिन देखें दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, घड़ियाल्स के बीच में और मगर्स के बीच में, तो मगर्स का पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बेटर है इस स्ट्रेच में। तो एज पर सर्वे कैरिड इन जनवरी टू मार्च 2004 देर आर 64 मगर्स इन महानदी सिस्टम एंड 83 मगर्स इन रिवर्स इन सिमलीपाल। ये रिसेंटली उड़ीसा में जो था वो क्रोकोडाइल सेंसस हुआ था जिसमें पाया गया था कि जो सॉल्ट वाटर और एस्चुरीन क्रोकोडाइल हैं क्रोकोडाइलस पोरोसस उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इन भितरकनिका नेशनल पार्क और उसके अराउंड जो एरियाज हैं,
ठीक है, जो मतलब केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो 1742 इंडिविजुअल्स जो हैं दे हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस ईयर एनुअल रेप्टाइल सेंसिस। इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्यों है? ड्यू टू फार साइटेड मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।